देश भर में इस समय त्योहारों का सीजन चल रहा है। ऐसे में लोग अगर सजगता नहीं बरतेंगे तो कोरोना का प्रसार बढ़ सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग में कस्बा गोवर्धन में शासन के दिशा निर्देशानुसार लोगों को कोरोना जांच का अभियान चलाया गया, जिसमें गोवर्धन क्षेत्र के एवं बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लगभग 11,000 सैंपल लिए गए। स्वास्थ्य विभाग की डॉक्टर चित्रा राजपूत ने बताया कि लोगों को जागरूक करने के साथ साथ उनकी कोरोना की सैंपलिंग की जा रही है, जिससे त्योहारों के सीजन में कोरोना महामारी अपने पैर न पसार सके। लगभग 11,000 सैंपल गोवर्धन क्षेत्र से लिए गए हैं, जिनमें 280 करीब पॉजिटिव निकले हैं, जिनमें 20 के लगभग एक्टिव केस हैं। सही समय पर जांच होने से लोगों को समय सही इलाज मिल सकेगा, इसलिए स्वास्थ्य विभाग ने पहल करते हुए सैंपलिंग का यह अभियान चलाया है, जिससे लोग जागरूक रहे और बीमारी से बच भी सके। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम डॉक्टर चित्रा राजपूत है, मैं मेडिकल ऑफिसर सीएचसी गोवर्धन से हूँ। अच्छा, आज आप जो यहाँ पे लोगों की सैंपलिंग कर रहे हैं, तो ये क्या कार्यक्रम चलाया आपने? जैसा कि आप देख रहे हैं, त्योहारों का जो महीना आ रहा है, इसमें हम चाहते हैं कि सभी लोग सुरक्षित तरीके से बिना कोरोना को फैलाए आपस में अच्छे से त्योहार मनाए। इसके लिए हम शासन के निर्देशानुसार वो जगह जो कि हॉटस्पॉट एरिया बन सकती है, जिससे कि दोबारा से कोरोना के नंबर्स में इंक्रीज हो सकता है, वहाँ पर हम सैंपलिंग कर रहे हैं ताकि लोगों को सही समय से इलाज मिल सके। और जैसे कि आप देख रहे हैं, रिकवरी रेट कोरोना का 91% अभी चल रहा है। हम सबका यही कोशिश है कि सभी लोगों का टेस्टिंग हो जाए। तो अभी तक गोवर्धन क्षेत्र में कितने लोगों की सैंपलिंग की जा चुकी है और क्या कुछ उसमें पॉजिटिव? अभी गोवर्धन क्षेत्र में करीबन 10,000 तक रैपिड एंटीजन टेस्ट हो चुके हैं और 5,500 RT-PCR टेस्ट किए जा चुके हैं, जिसमें कि मथुरा में गोवर्धन डिस्ट्रिक्ट बहुत अच्छा कर रहा है। यहाँ के लोग हमें बहुत सहयोग कर रहे हैं, हम यहाँ की पुलिस भी हमें बड़ा सहयोग कर रही है। इसी तरीके से आपस में प्रेम बनाते हुए हम सब रहें और हम सभी को कोरोना से लड़ना है। इसके लिए धन्यवाद।